विनेश फोगाट जो हैं वो हिंदुस्तान आ गई हैं और उनका हुआ है बहुत जोरदार स्वागत। स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। विनेश फोगाट आ गई हैं हिंदुस्तान। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आंखों को नम कर देने वाली है। विनेश फोगाट अपने स्वागत में इतने लोगों की भीड़ देखकर खुद भी भावुक हो गई हैं। कंधों पर उन्हें उठा लिया गया है। विनेश फोगाट जहाँ कमाल करके दिखाई हैं पेरिस ओलंपिक में, एक ही दिन में एक के बाद एक तीन बड़े कॉम्पिटिशन्स और बड़े पहलवानों को हरा कर आई, लेकिन बावजूद उसके मेडल वो नहीं ले पाई क्योंकि अगले दिन 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो गया तो डिसक्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन अब जब हिंदुस्तान लौटी हैं तो बड़ा प्यार देशवासियों ने जुटाया है और अपने स्वागत को देखकर, इस भीड़ को देखकर विनेश फोगाट भावुक हो गई हैं। मीडियाकर्मी भी यहाँ एक रिएक्शन विनेश फोगाट का लेना चाहते हैं। यहाँ जिस तरीके की भीड़ है, क्योंकि देश भर से लोगों ने कहा वतन वापसी जैसे होगी वो बहुत ज़्यादा शानदार होनी चाहिए। दिल्ली पहुँच गई हैं, पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था लेकिन डिसक्वालीफाई हो गई। सीएस में याचिका भी लगाई कि कम से कम सिल्वर उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ भी याचिका खारिज हो गई। बड़ी निराश रही हैं विनेश फोगाट और अब सोशल मीडिया पर उनके जरिए पोस्ट भी किया गया जिसमें रोते हुए तस्वीर उन्होंने लगाई और कहा कि जो गाना लगाया वो गाने के शब्द कुछ ऐसे थे कि मेरी बार को तो रब सोता ही रह गया। निराशा उस पोस्ट के जरिए भी लोगों को समझ में आई। फिलहाल विनेश फोगाट की ये तस्वीरें आप देखिए, क्लियर साफ तस्वीरें हैं जहां गाड़ी के बिल्कुल नजदीक आ गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। विनेश फोगाट का हुआ है जोरदार स्वागत और ऐसा ही स्वागत उनके अपने गाँव वाले भी कर रहे हैं। ऐसा ही स्वागत की तैयारी गाँव में भी देखी जा रही है। विनेश फोगाट यहाँ तस्वीरों में और ये देखिए जो सनरूफ होती है वहाँ से निकलकर विनेश फोगाट अब खड़ी हो गई हैं ताकि आसपास लोगों का अभिवादन वो स्वीकार भी कर सकें। अभी एक निराशा ज़रूर हाथ लगी लेकिन साथ ही हिम्मत बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल जो लेटेस्ट पोस्ट किया गया है विनेश फोगाट की तरफ से, उसमें चूंकि पहले तो संन्यास का फैसला ले लिया था, कल जो लेटेस्ट पोस्ट, बजरंग पुनिया भी साथ में नज़र आ रहे हैं, साक्षी मलिक भी मुझे लगता है साथ में, हाँ साक्षी मलिक भी साथ में है, बजरंग पुनिया साथ में है, लगातार सपोर्ट बाकी पहलवान करते रहे। देश भर से आम लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, बड़े सेलिब्रिटीज़ ने सपोर्ट किया, पॉलिटिशियंस की तरफ से लगातार सपोर्ट मिलता रहा, फूल बरसाए जा रहे हैं, स्वागत हो रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पर। विनेश फोगाट का मेडल ज़रूर नहीं आया लेकिन जिस तरीके से नाम कमाया है विनेश फोगाट ने उससे देशवासी बड़े खुश हैं, सपोर्ट पूरी तरीके से कर रहे हैं। और इसीलिए विनेश फोगाट ने लेटेस्ट अपने पोस्ट में ये कहा है कि अभी मुझ में बहुत कुश्ती बची है और हो सकता है कि आगे कुश्ती में फिर से वो हिस्सा लें। 2032 तक का उन्होंने जिक्र भी अपने पोस्ट में कर दिया, यानी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो कुश्ती से अलग हो गई हैं। हाँ, जब निराशा हाथ लगी, जब डिसक्वालीफाई कर दी गई, तब ज़रूर उन्होंने कहा था कि कुश्ती को अलविदा कहती हूँ, माँ कुश्ती जीत गई, मैं हार गई, लेकिन फिर घर वालों के जरिए, दोस्तों के जरिए, साथियों के जरिए बहुत समझाया गया विनेश फोगाट को और ऐसे लग रहा था कि शायद विनेश अपना फैसला बदल देंगे, तो ऐसे चांसेस अभी लग रहे हैं। विनेश फोगाट ने एक होपफुल पोस्ट किया है कल ही और उसमें ये संकेत दिए हैं कि कुश्ती में हो सकता है बनी रहें विनेश फोगाट, क्योंकि वो कह रही हैं अभी मेरे अंदर बहुत कुश्ती बाकी है। ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी शानदार तस्वीरें हैं, दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर साथी पहलवान आए हैं, दोस्त आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, घर वाले आए हैं और ऐसे ही स्वागत की तैयारी गांव में भी की जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं, शानदार स्वागत हुआ है। देशवासी इन तस्वीरों को देखकर खुश भी हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। विनेश फोगाट की आगे कुछ और तस्वीरें भी सामने आएंगी, वो भी आप तक पहुँचाएंगे।